कोरोना वायरस संक्रमण का असर अर्थव्यवस्था पर बुरी तरह पड़ रहा है। इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय ने चेतावनी दी है। श्रम निकाय ने कहा है कि कोरोना वायरस संकट के कारण भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं और अनुमान है कि इस साल दुनिया भर में 19.5 करोड़ लोगों की पूर्णकालिक नौकरी छूट सकती है। आपको बता दें कि दुनिया भर में 2 अरब लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। इनमें से ज्यादातर उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में है और यह विशेष रूप से संकट में है। सूत्रों के मुताबिक COVID-19 संकट से पहले ही अनौपचारिक क्षेत्र के लाखों श्रमिक प्रभावित हो चुके हैं। ILO ने कहा है कि भारत, नाइजीरिया और ब्राजील में लॉकडाउन और अन्य नियंत्रण उपायों से बड़ी संख्या में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के श्रमिक प्रभावित हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वालों की हिस्सेदारी लगभग 90% है। इसमें से करीब 40 करोड़ श्रमिकों के सामने गरीबी में फंसने का संकट है। इसके मुताबिक भारत में लागू किए गए देशव्यापी बंद से ये श्रमिक बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और उन्हें अपने गांवों की ओर लौटने को मजबूर होना पड़ा। पिछले 75 वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। यदि कोई एक देश विफल होगा तो हम सभी विफल हो जाएंगे। हमें ऐसे समाधान खोजने होंगे जो हमारे वैश्विक समाज के लिए सभी वर्गों की मदद करे, विशेष रूप से उनकी जो सबसे कमजोर है या अपनी मदद करने में सबसे कम सक्षम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार में सबसे अधिक कटौती अरब देशों में होगी, जिसके बाद यूरोप और एशिया प्रशांत का स्थान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APNS न्यूज़।